हेलो, व्हाट्स अप यू ऑल, लॉन्ग टाइम नो सी. सो गाइज, मैं सब भूल गई हूँ. वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल. सो गाइज, आई एम लीविंग फॉर दिल्ली टुमारो टू अटेंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स वेडिंग. वहाँ से हम लोग कहीं पे घूमने के लिए जाने वाला है. यू विल गेट टू नो इन दिस व्लॉग वेर आर वी गोना गो आफ्टर द वेडिंग. मैं कल एक्चुअली मॉर्निंग में निकलने वाली हूँ एंड आई विल जस्ट शो यू द हालत ऑफ माई हाउस राइट नाउ. सो फ्रेंड्स, दैट्स हाउ माई होम लुक्स राइट नाउ. मैंने एक्चुअली कुछ कुछ कपड़े बहुत यहाँ पे पूरा मेस था, मैंने अभी अंदर रख दिया है. अभी कुछ कपड़े मैंने डिसाइड करके रखे हुए हैं, बट इट इज स्टिल स्केप्टिकल कि मुझे उसमें कुछ एडिशन करना है कि नहीं. दैट्स सम स्नैक्स दैट आई हैव गॉट फॉर निमिषा एंड माई फ्रेंड्स इन दिल्ली. बाकरवाड़ी, चितड़ींची बाकरवाड़ी, देन मेथी चिरोटे एंड सम चकली. मतलब दे डोंट इवन नो व्हाट चकली इज. आई मीन कम ऑन. सो या, ये पीछे आशु के दो बैग्स ऑलरेडी पैक्ड है. यहाँ पे मेरी एक बैग पैक हो रही है, यहाँ पे और एक मेरी बैग बाद में पैक होगी, पता नहीं कब होगी. बट या, जस्ट वांटेड टू लेट यू नो दैट आई एम लीविंग टुमारो. द नेक्स्ट डे. मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो इट्स फाइनली द टाइम आई एम लीविंग फॉर दिल्ली. आशु इज कमिंग टू ड्रॉप मी. मेरा मार्केट लगा हुआ है, फेवरेट मार्केट, जहाँ पे आज मैं जा नहीं पाऊंगी. So guys, it's I guess first time that I'm leaving Ashu behind for this long time. Hai na Ashu, post marriage? मतलब मुझे तो सच्ची बताओ तो मेरा अभी मतलब मैंने एक्साइटमेंट में बुकिंग वुकिंग कर तो ली, बट मेरा बिल्कुल ऐसे इतने ज़्यादा टाइम के लिए ऐसे जाने का मन नहीं हो रहा है. बट आई एम वेरी एक्साइटेड दैट आई एम गोना मीट माई फ्रेंड्स, माई बेस्ट फ्रेंड देयर इन दिल्ली एंड वी आर गोना हैव अ लॉट ऑफ फन. मे बी शायद वहाँ पे जाने के बाद आई विल बी नॉर्मल. कल तो मैं पूरी सेंटी वेंटी हो गई थी, रोना धोना हो गया, बिकॉज आई एम गोना वी मिस हिम अ लॉट. मुझे ऐसा लगता है कि या, व्हेन वी स्टे टुगेदर वी फाइट अ लॉट एंड वी जस्ट फील लाइक यार तू जा अब यहाँ से. बट अभी मतलब आई एम जस्ट नॉट लाइकिंग इट. बट ठीक है, आशु वी आर गोना मीट आफ्टर 10 days एंड देन वी आर गोना हैव अ ब्लास्ट. एंड वहाँ से हम लोग एक ट्रिप पे भी जा रहे हैं. यू विल गेट टू नो दैट सून कि हम लोग कहाँ पे जाने वाले. सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस व्लॉग. मैं आई जस्ट ट्राई टू एड सम क्लिप्स फ्रॉम माई जर्नी. पता नहीं, आई जस्ट होप आई गेट गुड को पैसेंजर सो दैट माई जर्नी बिकम्स ईजी एंड हैप्पी. अदरवाइज पता नहीं, इज गोना बी बोरिंग. वैसे मैंने कुछ लिया है चीज़ें बुक्स पढ़ने के लिए, बट सी लेट सी हाउ इट गोज. फ्रेंड्स, मेरी जर्नी वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, बट आई हैड दिस अमेजिंग बुक जो मैंने थ्रू आउट द जर्नी पढ़ी थी विथ सम गुड स्नैक्स दैट आई कुड हैव. और मैंने खाना वाना सब पैक करा लिया था. तो ये बुक के रिव्यूज़ मैंने इंस्टाग्राम पे डाले थे, बट जस्ट इन केस इफ़ यू हैव मिस दैट, यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस बुक. दिस इज़ रियली 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 एन अमेजिंग बुक फॉर योर गुड मेंटल हेल्थ, आई कैन से. And guys, I'm finally here in Delhi. My friend was supposed to wake me up in the morning, but मैंने खुद उसको कॉल करके उठाया that I reached Delhi. So yeah, but I reached finally. मैंने उसको बोला मुझे लेने मत आना, मैं खुद ही आ जाऊँगी, because उसका घर स्टेशन से बहुत ज़्यादा दूर है. So hopefully वो मुझे पिक करने के लिए नीचे आए once I reach there. सवेरे बहुत कांड हो गया है. मेरे बैग से मैंने एक जन की टांगे ऑलमोस्ट तोड़ दी थी एक्चुअली एलिवेटर से. आई वांटेड टू बी दैट क्या बोलते हैं सुपर गर्ल. मुझे अपनी बैग्स खुद कैरी करनी थी, मैंने कूली नहीं करा हुआ था. एलिवेटर से मेरे बैग जो इतने गंदे से स्लिप हुए हैं दैट वन पर्सन ऑलमोस्ट ब्रोक हिज लेग. एक्चुअली इट वॉज नॉट माई मिस्टेक, आई आस्क्ड हिम टू होल्ड द बैग बट ही डिडंट डू दैट, सो आई एम फीलिंग सैड. तो गाइज, मैं फाइनली पहुंच गई हूँ निमिषा के घर. मेरे को पिंपल भी हो गया यार, शादी के टाइम ही ये सब क्यों होता है. और पीछे एंटी ब्लॉग पर्सन सो रहा है, दैट्स निमिषाज ब्रदर, जिसको हम लोग अभी ट्रबल नहीं कर सकते. नहीं तो मुझे घर से बाहर भी निकाला जा सकता है, और दिल्ली में मैं और कहीं रुक नहीं सकती. वैसे रुक सकती हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं दिल्ली में. नैनीताल में भी चली जा सकती हूँ, मैं वहाँ पर रह लूँगी. सो गाइज, अभी आई वॉन्ट टू शो हर कि हमने क्या क्या लाया है. बट और ये एक नंबर की इंसान है. मैंने इसको बोला था मुझे लेने आना नीचे स्टेशन पे, तो छोड़ो ये नीचे भी मुझे तब लेने आई है जब मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ.
मैं आके रुकी हूँ तब जाके लड़की मुझे लेने आई है। ऊपर से और एक चीज़ इसने ये करी, वीडियो बना रही थी मेरा। मैंने बोला मेरे हाथ में सामान है तो तू मेरा वीडियो बनाना, मैं जो आई हूँ जो मैं मेरे ब्लॉग में डालूंगी। तो मैंने इसको बोला था तू मेरा वीडियो बनाना जब मैं इधर आऊंगी जो मैं मेरे ब्लॉग में डालूंगी। इसने वीडियो तो जरूर बनाया, मैंने इसको ऐसे देखा है। दिखा जरा एक्शन करके, फोन लेके ऐसे फोन पकड़ के आई है लड़की जैसे कि मुझे शूट कर रही है। घर आके देखते तो कैमरा ऑन नहीं किया इसने, मतलब एक्साइटमेंट इसको चूतियावा बोलते हैं। नहीं मतलब ये हद करती है लड़की। अभी आज हम लोग कुछ करेंगे, अब मुझे नींद नहीं आ रही है गाइस, मेरी नींद कच्ची, अब मैं सो नहीं सकती हूँ। इश ज़बरदस्ती मुझे सुला रही है तो मैं सो नहीं रही हूँ। सबसे पहले तो मैं जैसे ही जाऊँगी कुछ खाने के लिए देना मुझे, ठीक है? यार ऐसे कौन बोलता है, मैं बोलती हूँ। ओके गाइस, विल सी यू लेटर। 2000 years later. तो फ्रेंड्स अभी ब्रेकफास्ट आ चुका है। ये एंटी ब्लॉग पर्सन है जिसको ब्लॉग बिल्कुल पसंद नहीं है, बट हु केयर्स। तो अभी हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं, बता निमिषा क्या है? मैक्रोनी, मैक्रोनी। ओ मैं क्यों आ रही हूँ, मैक्रोनी देसी स्टाइल मैक्रोनी। हाँ तो इसमें हम लोग ने छोंक लगाया है प्याज टमाटर का, बट एंड सरप्राइजिंगली ये बहुत अच्छा बना है। तो अभी हम लोग खाते हैं एंड देन विल सी यू। हम लोग दिल्ली की कुछ चीजें दिखाएंगे आपको, हम लोग दिल्ली में क्या क्या खा रहे हैं, इसके लिए रिश्ता देख लेना। पता नहीं क्यों ऐसे हाथ जोड़ के बैठा ये। तो दिल्ली की चीजें मैं दिखाऊंगी, हम लोग दिल्ली में क्या क्या खा रहे हैं। तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस। रुको रुको रुको, अरे आओ रुको, चेकिंग हो, चेकिंग हो, खड़े हो नहीं ऐसे ऐसे, अरे खड़े तो एकदम बराबर में, हाँ ऐसे एकदम सेम ही रिश्ता है, एकदम सेम टू सेम। किसका? आपका बैग का। जैसे जैसे और उनका है वो सेम है। सेम कि जैसे आशु का मेरा रिश्ता वैसा मेरा और बैग का। अरे सुनो मॉर्निंग का किस्सा सुन, क्या हुआ? तो गाइज मेरा शिफ्ट अभी खत्म हो गया है और हम लोग जा रहे हैं, हमारी एक दूसरी फ्रेंड है उसके घर पे डिनर के लिए, खुशबू के घर पे। उसका एक बहुत प्यारा बेबी भी है जो आपको दिखाएंगे। एक्चुअली वो निमिषा की कॉलेज फ्रेंड है, अब वो मेरी भी फ्रेंड है। और ये है निमिषा का पगला भाई, जो मुझे पता नहीं जब से इसको पता चल गया है कि आई एम ट्राइंग टू लूज सम वेट, तब से मुझे ये ऐसी चीज़ें ऑफर कर रहा है जो मुझे नहीं खानी चाहिए। अच्छा तो अभी क्या ऑफर कर रहे थे आप? खा लिया आपने ये तेल? ठीक है। तो अभी निमिषा का एक्चुअली ऑफिस चालू है, तो वो बेचारी अभी ब्रेक डाल के चलेगी और वहाँ जाके काम करेगी। एंड वी आर गोना हैव फन, सी यू गाइस आफ्टर गोइंग देयर। लॉट ऑफ क्यूटनेस इज वेटिंग फॉर यू एंड आई विल आल्सो शो यू कि हम लोग वहाँ पे क्या खाना खा रहे हैं। वैसे थोड़ा सा कैलरीज वाला खाना है, बट ठीक है, समटाइम्स चलता है। शादी में मैंने बहुत एक्सरसाइज और बहुत कुछ कर लिया, सोचा मैं थोड़ी हॉट लगूंगी और ये लोग मुझे खाने का ऐसे ऐसे चीजों के नाम बता रहे खाने के, मतलब इंसान कंट्रोल नहीं कर पाएगा। एंड देयर इज समवन इन माय व्लॉग टुडे, हेलो बोलो। गुड्डा एंड ही इज गुड्डा। अच्छा रियली? तो गाइस मैं बोल रही थी ऐसे ऐसे चीजों के नाम बता रहे। आनंद कुछ चीजें बताओ जो आप मुझे खिलाने वाले हो। एक तो खिलाऊंगा आपका, एक तो खिलाऊंगा वन ऑफ द फेवरेट मोमोज जो आपने नाम दिया है हमें यहाँ पे दिल्ली के मोमोज का, मोमो शोमो आउटलेट से। और उसके बाद खाओगे अफगानी चाप, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट परोठा। एक परोठा बहुत ऑयली होता है, वो नहीं खाऊंगा। नहीं वो तंदूरी पराठा नहीं होता है। ओके मूर्थल का स्पेशली, मूर्थल थोड़ा। एंड केसर वाली चाय? नहीं मैं चाय नहीं पीती। फिर भी हम पियेंगे, तुम मत पीना। मेरे को खाना है चाप। भाई इसको भोले ले जाना यार, इसको साउथ कैंपस नहीं, बट मुझे एक साथ नहीं खाना है, एक दिन एक एक खाना है। लेकिन हाँ डाइटिंग के इसको चाप खानी है, लेकिन डाइटिंग वाली चाप। और मुझे खाने छोले कुलचे, छोले भटूरे, छोले भटूरे।
तो गाइस अभी हम लोग ने मस्त मोमोज क्या करे धकेले हाँ पेले पेले वो मैं बोलना नहीं चाहती थी तो अभी मस्त मोमोज खा के आ गए गाइस रात के 1:30 बजे और आदमी ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं हम लोग को अभी जस्ट हमारी शिफ्ट खत्म हुई है हम लोग को सोना है बट वी कांट स्लीप क्योंकि ये अभी इसको नहाना है इतनी रात को कौन सा टाइम इतनी ठंड में कौन नहाता है यार मैं तो दिन में नहीं नहा पा रही हूँ यहाँ पे हाइजीनिक पीपल नहाते हैं हाइजीनिक हाइजीनिक और तो ये अभी गाने लगा के नहाएगा इस बड़ी सी टीवी में तो गाइस ये नहा के आने के बाद विल लेट यू नो हम लोग और क्या फालतूगिरी क्या बकचोदी कर रहे सो ये ब्लॉग को देखना एंड तक श्योर यहाँ पे बहुत ही सेक्सी वाला राइस बनाया आनंद ने थैंक यू आनंद गुड न्यूज अनाउंस कर रही हूँ कि आनंद ने और हमने एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है दैट्स आनंदा तो गाइज अगर आप दिल्ली में रहते हो दिल्ली नोएडा में कहीं पे भी तो आप प्लीज ये प्रोडक्ट या फिर ये हमारा न्यू कंपनी इसको सपोर्ट करना आनंदा हम बता दें ये नाम हमने कैसे रखा है ये हमारा मार्केटिंग डायरेक्टर है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आप बताओ हमने नेम आनंदा हमने ऐसे रखा है कि आप पीछे वाला ए हटाओगे तो आनंद और आगे वाला हटाओगे तो नंदा तो इस तरीके से आनंद और नंदा मिला के हमने आनंदा नाम की दूध की कंपनी और इसमें आपको फ्रेश पनीर स्वीट्स और क्या मिलता है अपनी कंपनी में चीज मिल जाएगा ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे सो गाइज प्लीज रिमेम्बर द नेम आनंदा बस यही डेडिकेशन चाहिए लाइफ में इतने डेडिकेशन से बंदा देख रहा है वीडियोस इसके साथ कुछ भी करो मतलब इसको कितना भी मारो नहीं मैं मार आनंद अरे मैं चली जाऊंगी मैं बता रही हूँ तेरे प्लीज नहीं ये होता है अच्छे से मार अच्छे से बाल खींच ले यार तूने बाल अच्छे से नहीं खींचे यार या चार बचे हैं वो भी खींच लो क्या हाँ खींच लो चार नहीं बहुत सारे नहीं यार चार ही हैं उसके वो कौन सा एनिमल वाला ना 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 मुंह से गाते कॉपीराइट भी नहीं आएगा गाइस और यहाँ पे चल रहा है रैंडम थिंग्स विद नंदा आई एम मिसिंग आशुष आई एम वॉचिंग हिज ब्लॉग्स फ्रेंड्स हम लोग फाइनली सदर पहुंच गए मुझे लग रहा है इट्स ऑलरेडी 1:00 और हम लोग को 2:00 वापस निकलना और हम लोग से बिरयानी खा के वापस निकलने वाले हैं और आई डोंट थिंक हम लोग कुछ शॉपिंग करने वाले हैं यहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग टू दिस गर्ल एंड यही वो लड़की है जिसने बोला था कि मैं 9:00 पहुँचूंगी और ये अभी पहुँच रही है आई डोंट थिंक हम लोग शॉपिंग वॉपिंग करने वाले खा के यहाँ से जाने वाले बस फ्रेंड्स यू ऑल ऑलरेडी सॉ कि हमने जो है जो बिरयानी पे बिरयानी पे ली आज दो दो प्लेट भर भर के तो कॉम्पनसेट करने के लिए ये लड़की और ये लड़की हम लोग 8th फ्लोर चढ़ के जा रहे हैं कौन सा हो गया और ऐसा लग रहा है हम लोग 4 फ्लोर चढ़ रहे हैं तभी भी एक ही फ्लोर ख़त्म हो रहा है तो आई होप जो भी कैलोरीज हमने आज इनटेक करी है उससे डबल बर्न हो जाए भगवान फ्रेंड्स फाइनली वी हैव रीच्ड 8th फ्लोर आधे मर गए लेकिन सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कुछ तो चले या यहाँ पे होम सैलून ओपन करा है ये लोग ने आनंद आपने आप क्या आप बताओगे इसमें क्या क्या डाला हुआ है इसमें डाला है थोड़ा सा 1 चम्मच हल्दी 1 चम्मच धनिया पाउडर बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर और ये लेमन जूस मेरे हाथों से पड़ते हुए नीचे और ये शैम्पू स्क्रब यूज करेंगे एमकेफिन का एक yes. बट तुम लोग गेस्ट को नहीं करवा रहे हो क्या ये मेरे भी पैर काले काले हो गए पूरे गेस्ट को बाद में आना चाहिए पहले खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे फिर आप पे यूज करेंगे बट एक्सपेरिमेंट गेस्ट को हम लोग
लेकिन लेकिन एक्सपेरिमेंट तो ऑलरेडी कर चुका है वो, देखो इसने एक्सपेरिमेंट करा है उसके, देखो हीरे निकले हुए हैं पानी से, हीरे निकले बाहर। तो ये गेस्ट रूम नहीं, तो ये बना रहे हैं हम लोग ये लैम्बो वेलकम वेलकम ड्रिंक गंदा। आनंद तो गाइस आनंद पहले तेरे पैर दिखा बिफोर आफ्टर करेंगे हम लोग। गाइस पहले भी चमक रहे हैं बाद में चमकेंगे कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट साइड दिखा ऐसे ऐसे घुमा के फ्रंट साइड गाइस। अभी पैरों की ये एडी गाइस, गाइस एडी देखिए गाइस, मेरी मेरी एडी का राज देखिए गाइस। हां तो गाइस सॉफ्ट वीको टर्मरिक स्केचर के जूते गाइस। तो गाइस ये अभी पैर इनके हैं और तुम दिखा दो अपने। हां ये बिफोर वाले हैं। नाखूनों के लिए माफी गाइस, नाखून मेरे नाखून नाखून सड़ चुके हैं गाइस, नाखून मेरे किनारे आपके साथ से खराब हो गए। और थोड़ी देर बाद हम इसका रिजल्ट दिखाएंगे। नहीं जले गाइस, ये आपकी ये मैडम जो है ये 12 अप्पे जला रही हैं। हम लोग थोड़े बिजी हो गए थे गाइस, तो अभी हम लोग थोड़ी देर बाद इसका रिजल्ट बताएंगे आपको। गाइस दैट्स द आउटपुट। इधर नाखूनों पे भी काले लग रहे हैं। तो मेरे नाखून तो वो है ना केदारनाथ वाले है। अच्छा सॉरी, तो ये उसके पैर है आनंद, इसके पैरों में समझ में नहीं आएगा। अपनी टांगे लेके इधर आओ। और ये भूखी आत्मा है। अरे जल्दी आ यार, इतना लंबा नहीं कर सकती ब्लॉग। अरे क्या बना रही है? कम फास्ट, आई वांट टू शो द आफ्टर आफ्टर। मैंने क्रीम लगा ली है तो दिखे ना अच्छे से। सो गाइस दैट्स हाउ द लेग्स लुक। ये दिखाइए तो गाइस, ये ऐसे दिख रहे पैर, तो कृपया ये घर पे ट्राई ना करें। इतनी गंदी है यार। बहुत ही जाने माने शेफ आनंद प्रताप यहाँ पे हलवा बना रहे। गाइस यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप इधर आओ साले हट। इधर आओ, ये देखो गाइस, ये इसके लिए चाशनी बनी है और ये चाशनी की जगह इसने बना दिया है कैरमल। कैरमल हलवा खाया है आपने कभी? तो अभी हम लोग ये इसको वेस्ट नहीं करेंगे गाइस, विल टीच यू टुडे वेस्ट फ्रॉम बेस्ट। क्या होता है बेस्ट फ्रॉम बेस्ट? तो अभी ये जो चाशनी बनी है ये वेस्ट नहीं जाएंगी, हम इसमें डालेंगे नींबू, चाट मसाला और इसके बनाएंगे हम लोग कैंडी गाइस। तो नींबू डोंट फॉलो आवर चैनल प्लीज, प्लीज नींबू। तो गाइस इसमें नींबू डाल के अब इसका बनेगा कैंडी। इसमें मैं डाल रही हूँ नींबू, इलायची भी डाली है क्या? अरे इलायची नहीं होनी चाहिए था, शिट। तो गाइस ये अभी मैंने डाला है इसमें नींबू। भाई तुझे अभी शुगर लाना पड़ेगा बाहर जाके, बाय द वे शुगर भी खत्म हो गई है गाइस घर की। ये अभी बन चुकी है हमारी कैरमल कैंडी। बट जिस 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 लेवल पे कैरमल जला है ना, मुझे लग रहा है इसकी कैंडी भी कड़वी बन गई। ये कैंडी है, इसको मैं सुखाने की कोशिश कर रही हूँ। बाय द वे इसका हम लोग वैक्स भी बना सकते हैं, पता है? वैक्सिंग भी कर सकते हैं, शादी का सीजन है गाइस। आनंद के ही पैर में कर सकते हैं वैक्सिंग, पता है? वैसे उसके पैरों में बाल बोलते हैं। चलो ठीक है। और उसकी हिम्मत भी इतनी है कि दोस्तों को बोल रहा है मैं आपको बना के लाता हूँ। उधर तक आ रहे फोन, क्या सीन है? चीनी नहीं है घर में? आनंद को बोलने के कैंडी बहुत मस्त लग रही है। ये हमने बनाई है। ओह नो, चॉपिंग बोर्ड की हालत देख, साफ नहीं होगा। होगा ये तो मेल्ट हो जाएगा। तो गाइस ये बनी है कैंडी। आनंद को खिला जाइए। हमने कैंडी बनाई है, आनंद इसको आनंद को खिलाएंगे और उसका रिएक्शन नोट करेंगे। आनंद देख मैंने कैंडी बनाई इसकी। हाँ नहीं बड़ा रही, खट्टी मीठी है। तुमने बनाया था? लग रही है। ठीक है जो ठीक। हलवा हलवा और बताइए हलवे में डालने वाला भाई। मैंने बचाया तुम लोगों को। सो गाइस अंजू ये बनाया है
आशु ने कैरमेल जो भी जा रहा है डस्टबिन में। फाइनली शेफ का स्पेशल हलवा आ चुका है, क्या सेक्सी से प्लेट में लेके आए। कुछ मिसिंग है तो अभी आनंद बताएंगे। इसमें देखो गाइस, सॉरी टू से, बट इसमें काजू पिस्ता बादाम को यू नो बारीक पीस के और ऐसे डालने के लिए बस स्वाद अनुसार, वाह गार्निशिंग मिसिंग है गाइस। दिस बाउल इज सेक्सी इनफ। तो गाइस फॉलो हिज रेसिपी, बट फॉलो हिज रेसिपी, बट डोंट ट्राई टू मेक कैरमेल। ट्रू, डोंट मेक कैरमेल एट होम गाइस। अभी हम लोग आपको दिखा रहे हैं। अरे ये हर जगह दो सामने लोग कैसे चमकते हैं। पूरी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। तो आनंद आपकी शक्ल दिखाओ जरा। ज्यादा वेट करने से आगे जलती है। डू इट फास्ट। तो गाइस अभी इस तरीके से हमने मुंह धोए हैं, अब हम लगाने वाले हैं। गाइस चमक गए, गाइस चमक गए, गाइस चमक गए। अभी हम कॉफी वाला फेस मास्क लगा रहे हैं। चलो बाहर। हेलो गाइस, आई एम आनंद प्रताप। आई एम टेकिंग ओवर हर व्लॉगिंग चैनल। एक गधे व्लॉगिंग को के लिए कैमरा टेढ़ा करना पड़ता है। गाइस लुकिंग लाइक I'm taking her vlog. see her face. So elegant, so beautiful. Just looking like a third class. Guys, Anand is also gonna do the same thing in a while. Yeah, तू भी करना. Okay, guys, मैं भी करने वाला हूँ. Don't worry. But I think you just see me like looking London, talking to Tokyo like. I don't know where I want to see, but okay guys, अब मेरा चेहरा देखोगे आप लगाते हुए। Face किया जाए। This is the caffeine. Please, caffeine face mask which we have used. कौन सा? Caffeine. Yes, caffeine. Don't laugh, okay? Nescafe what? हाँ? क्या Nescafe? Caffeine mask. तूने Nescafe बोला ना? भाग बे। Yes. यार हम तो बोल। Wait guys, wait. गिरा. अब इसको कैसे करना है? ये लीवा पोती करनी है सर। कुछ नहीं होता इससे। I'm struggling. No. I will not sir. अरे हट्टे, अच्छी ऐसे कौन लगाता है? ऐसे ही लगाते हैं। व्हाइट हो जाते हैं। और क्या इसमें केमिकल? अगर मैं व्हाइट बाल दिखे मेरे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तो ये आपको बालों में, आईब्रो में नहीं लगाना है। मैं आपके लिए, जस्ट आपके लिए मैं ये अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो वी आर क्लोजिंग दिस व्लॉग हियर गाइस। अगर आपको ये छोटे छोटे क्लिप्स वाला व्लॉग अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब हर चैनल प्लीज गाइस, गो। थैंक यू गाइस। ये अभी आया कि चीनी वाला? या नहीं, दूध तो भी हलवा बन गया। तो गाइस हलवा बन चुका है और अभी दूध आया है हलवे में डलने वाला। सो या गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।